आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन भी मंडी शहर में धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका ने मंडी शहर में धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की मांग है कि केंद्र सरकार के वायदे को प्रदेश में लागू करते हुए उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन का आरोप है कि सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं के शुरू करने से ICDS को खत्म करने की योजना है, जिससे उनको भविष्य की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ियों से सबसे ज्यादा काम लेती है, लेकिन वेतन बहुत कम दिया जाता है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें हरियाणा की तर्ज पर वेतन दिया जाए। दूसरे दिन के इस धरना प्रदर्शन में गोहर प्रोजेक्ट के आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन ने भाग लिया। बैठे हैं कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल जो हमारे 3 से 6 साल के बच्चे जो है प्री नर्सरी जो सरकार ने खोली हुई है प्राइमरी स्कूलों में, उसको हम वापस लेने के लिए यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में गए, वो हम आंगनवाड़ी में वापस लाने के लिए विरोध कर रहे हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री है जो है हरियाणा के तर्ज पर जो है हमारे उन्हें वेतन मिलना चाहिए। अभी तो हमारे को अभी जो अभी जस्ट हुआ कि 3100 कुछ हमारे हेल्पर और 500 कुछ हमारे वर्कर को मिल रहा है, अभी मिलेगा नवंबर महीने से। हमारा काम है उस हिसाब से हमें कम वेतन दिया जा रहा है। और हिमाचल सरकार ने 5 अक्टूबर से फैसला लिया था कि प्राथमिक राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में प्री नर्सरी खोलने का आदेश लिया था। तो प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन की राज्य कमेटी ने फैसला लिया था कि इसके विरोध में 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। सरकार का ये जो फैसला था ये बिल्कुल आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर विरोधी है। इस फैसले से हिमाचल के आंगनवाड़ी सेंटर बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। तो हम हिमाचल सरकार से मांग करते हैं कि ये जो फैसला लिया है फ्री नर्सरी खोलने का, इस आदेश को वापस लिया जाए और आंगनवाड़ी केंद्रों को फ्री नर्सरी का दर्जा दिया जाए। और हम हिमाचल सरकार से ये भी मांग करते हैं कि हरियाणा की तर्ज पर हमें भी वेतन दिया जाए। आज हरियाणा सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स को 9,000 रुपए वेतन और हेल्पर को 4,500 रुपए वेतन देती है, जबकि हिमाचल सरकार 1,750 वर्कर्स को और हेल्पर को 800 रुपए मान दे देती है। अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स उग्र आंदोलन शुरू करेगी। और हिमाचल सरकार अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो सेक्रेटरी का घेराव किया जाएगा और भूख हड़ताल की जाएगी।